हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की नई वीडियो के अंदर हम आए हैं सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे हम आए हैं गोल्फ खेलने के लिए। गोल्फ है तो वैसे अमीरों का शौक, बट हमने सोचा कि हम भी पूरा कर ही लेते हैं। प्रोफेशनल तो है नहीं, कभी आज तक कभी प्ले नहीं किया, तो दिखाते हैं एज अमेच्योर, हमें आता नहीं है, तो देखते हैं कि कैसा जाता है। अभी जो है हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है 100 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री। अगर आप दो लोग आ रहे हैं तो 200 रुपीज़ आपको एंट्री के पे करने होंगे। ये सिर्फ यहाँ की एंट्री के चार्जेज है, बाकी आगे जो गोल्फ के चार्जेज है वो आपको आगे बताते हैं। तो बने रहो ब्लॉग में। और यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है ग्रीन पार्क, वहाँ से आप 50 रुपीज़ का ऑटो लेकर के आ सकते हैं। तो लेट्स गो। यार ये बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बहुत बड़ा है यार। और यहाँ पे ये है शायद गोल्फ का, तो चलते हैं आगे देखते हैं कैसा रहता है। आ चुके हैं गोल्फ खेलने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्फ ड्राइविंग रेंज। तो आओ चलते हैं, इसका प्राइस चेकआउट करते हैं, कितने चार्जेस हैं, एंड आपको आगे दिखाते हैं। लेट्स गो। ये फिर आएंगे ऐसा कुछ है, ये कोई ऐसा कुछ है। टोकन मिल गया, इससे बॉल्स मिलेंगे हमें। टोकन मिल गए, बॉल्स ले रहे हैं। ये भैया जो है ये हमें सिखाएंगे, क्योंकि आता हमें है नहीं है, फर्स्ट टाइम है हमारा। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। ये देखो आगे तो चले गए, हम देखते हैं हमें आया कितना। अब शॉट देखते हैं। 100 लिए ये लेकिन की सट्टी। तो जी आ चुका हूं मैं गोल्फ खेलकर वापस। तो मैं आपको सारे के सारे चार्जेस बता देता हूं कि कितने इसके चार्जेस होते हैं। सबसे पहले तो 100 रुपीज़ आपको सिरी फोर्ट के अंदर एंट्री के लिए आपको देने होंगे। वो एंट्री आपको देनी मैंडेटरी है, जो कि पर पर्सन होगी 100 रुपीज़। उसके बाद 300 रुपीज़ आपका पर पर्सन जो है आपको वहाँ पे गोल्फ के चार्जेस होंगे, प्लस 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा जो होंगे एंट्री के होंगे। यानी कि 400 रुपये आपको गोल्फ खेलने के लिए देने हैं और 100 रुपीज़ आपको एंट्री के देने हैं। अगर आप अपना पर्सनल कोच भी चाहते हैं कि कोच आए आपको सिखाए, अगर आपको आती है तो आप इतने में जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है वहां पे देने होंगे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा कोच के, जो कि पर पर्सन होंगे। तो मेरा जो पूरा का पूरा एक्सपेंस लगा वो लगा 1200 रुपीज़, जैसे कि 200 रुपीज़ एंट्री के लिए हमने दिए एंड 500 रुपीज़ टोटल पर पर्सन हमने दिए, जिसके अंदर 300 रुपीज़ गोल्फ के थे, 100 रुपीज़ कोच के थे एंड 100 रुपीज़ एंट्री और अंदर देनी होती है। यानी कि 500 रुपीज़ आपको पर पर्सन गोल्फ के चार्जेस पड़ेंगे। पर पर्सन जो हमारा एक्सपेंस आया हुआ है 600 रुपीज़, दो बंदों का आया 1200 रुपीज़। साथ ही में इसके अंदर आपको जो बॉल्स मिलती हैं वो मिलती हैं 50 बॉल्स पर पर्सन, यानी कि हमें 100 बॉल्स मिली थी, बट जो है 15-20 बॉल्स होती हैं वो बहुत होती हैं सीखने के लिए। इतने के अंदर आप सीख जाते हैं, हाँ एक दिन में आप प्रो तो हो नहीं जाएंगे, जो कोच होगा
वो आपको बेसिक ही सिखाएगा कि आप अपनी अच्छे से वीडियोस बना पाएं, एक शॉर्ट वीडियोस बना पाएं, इतना ही आपको वो सिखाते हैं। अगर आपकी बॉल्स खत्म हो जाती हैं और आप बॉल्स का टॉपअप कराना चाहते हैं तो 100 रुपीज में आपको 50 बॉल्स दोबारा से मिल जाएंगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा था, वन टाइम था। अगर आपको आती है गोल्फ के लिए तो आप वहाँ जाके मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसके अलग चार्जेस होते हैं वो आपको वहीं पे पता लग। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा, एक यूनिक चीज़ थी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत मजा आया, एंजॉयमेंट भी किया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। नीचे मेरे इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही होगी, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। हम पेट पेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295 में ये करेगा तरक्की, पुत हेट मिलूगी।